सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? एक और नई रेसिपी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। सो आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बालूशाही, जो कि बहुत टेस्टी लगती है खाने में और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसको अपने घर पर भी बना सकते हैं। आप ये मिठाई किसी भी फेस्टिवल या किसी भी फैमिली ओकेजन पर भी बना सकते हैं और आप सभी को खिलाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। और मैं आपको बताऊंगी आप कितने आसान तरीके से इसको अपने घर पर बना सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो बालूशाही बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मैदा, तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मैदा ले लिया है। फिर मैं इसमें डाल दूंगी घी, तो मैंने यहाँ पर शुद्ध घी डाल दिया इसमें 2 से 3 चम्मच, और थोड़ा सा सोडा डाल देंगे हम इसमें। फिर हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। सो आपको इसमें अभी पानी नहीं डालना, आपको 5 मिनट तक उसको इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। और आप चाहें तो घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी है ना यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 चम्मच। मैं सोडा डालते समय वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो आप याद रखिएगा 1/2 स्पून, मतलब थोड़ा सा चुटकी भरी सोडा डालें, ज़्यादा आप सोडा ना डालें इसमें। और फिर हम उसको भी अच्छी तरीके मिक्स कर लेने के बाद अब हम उसको पानी से गूंद लेंगे। तो आपको बिल्कुल आटे जैसा डो नहीं बनाना है उसका, बस थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से बना लेना है उसको, बस उसमें हल्की सी बाइंडिंग आ जाए। फिर आप उसको इस तरीके से ऐसे खींच खींच कर अलग करिए, जिससे हमारी बालूशाही बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। इस तरह कर लेने के बाद आपको उसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और फिर हम उसके लिए चाशनी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 ग्लास पानी ले लिया है और उसमें कम से कम 200 या 250 ग्राम शक्कर डाल देंगे हम। एंड देन हम उसमें डाल देंगे 1 से 2 इलायची, और फिर हम उसको बॉईल कर लेंगे जब तक उसकी अच्छी तरीके से चाशनी ही बन जाती है और सारी शक्कर उसमें घुल ना जाए। एंड हम दूसरी गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे और उसमें हम ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है और अब हम उसको गर्म होने देंगे। सो 5 मिनट हो जाने के बाद अब हम अपनी बालूशाही बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा डो ले लीजिए आप, उसको आपको गोल भी नहीं करना है, कैसे भी नहीं, बस आप उसको बेलने लगिए कैसे भी, कोई भी शेप में। तो आपको इस तरीके से उसको बेल लेना है। एंड आपको इस तरीके से बेल लेने के बाद फिर आपको एक चाकू की मदद से इस तरीके से उसमें कट लगा देने हैं, और सारे जो प्लेट्स हैं उनको एक के ऊपर एक रख देंगे आप, और आपको फिर से उसको बेल लेना है। आपको इस तरीके से फिर से उसको बेल लेंगे हम, और फिर ये जब पूरा बेल जाए फिर आपको कट लगाना है पहले की तरह, और एक के ऊपर एक प्लेट रखनी है, और फिर आपको उसको दबा लेना है, और फिर से हम इसको एक बार बेलेंगे और फिर से कट लगाएंगे और ऐसे ही रखें। तो आपको ये 2 से 3 बार कर लेना है अच्छे तरीके से, और अगर आपके पास टाइम है तो आप 4 से 5 बार भी कर सकते हैं। इस ट्रिक से हमारी बालूशाही में बहुत सारी लेयर आएंगी और हमारी बालूशाही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आने वाली कोई भी टेस्टी रेसिपी की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। तो 3 से 4 बार आपको ये कर लेने के बाद फिर हम लास्ट टाइम पे अपनी फिर से प्लेट्स बनाएंगे और उसको रोल कर देंगे थोड़ा। एंड देन हम उससे चाकू से थोड़े छोटे छोटे से उसको पीस कर लेंगे, जिसकी हम बालूशाही बनाएंगे। तो देन आपको एक पीस ले लेना है, उसको थोड़ा सा राउंड करना है और उसके बीच में एक होल कर देना है इस तरह से। सो आपको इसी ट्रिक से सारी बालूशाही बना लेनी है। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा पहले से ही गर्म कर लिया था हमने, तो अब हम इसमें एक एक करके अपनी बालूशाही डालेंगे। याद रखिएगा आपको फ्लेम कम ही रखना है। अगर आपको इनको हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, अगर आप हाई फ्लेम पे इनको इस तरीके से तलोगे तो फिर आपकी बालूशाही अंदर से कच्ची रह जाएंगी और वो बस बाहर से ही ब्राउन और गोल्डनिश हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ का याद रखिएगा कि आपको कम फ्लेम पे ही इनको अच्छी तरीके से फ्राई करना है। सो 4 से 5 मिनट तक एक साइड से आपको उसको फ्राई कर लेना है कम फ्लेम पर। देन आप सेकंड साइड पे भी इस तरीके से करिए एंड फिर से आप उनको टर्न कर लीजिए। तो आपको इसी ट्रिक से उनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इससे आपकी बालूशाही अंदर से भी अच्छी तरीके से पक जाएगी एंड सॉफ्ट हो जाएगी, और आपकी बालूशाही का कलर भी बहुत प्यारा आएगा। सो आप देख सकते हैं हमारी बालूशाही का कलर अब डार्क होने लगा है धीरे धीरे। तो आपको इसी तरीके से उनको डार्क कर लेना है, और देखिए हमारी बालूशाही अंदर से भी बहुत सॉफ्ट हो गई होंगी। तो आपको इसी तरीके से आपकी बालूशाही को फ्राई कर लेना है। देन हम इनको निकाल लेंगे। 5 से 6 मिनट ठंडा कर लेने के बाद इनको फिर हम इनको चाशनी में डाल देंगे। तो आपको इस तरीके से उनको चाशनी में डाल देना है सारी बालूशाही को, और हम इस तरीके से सारी बालूशाही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम उनको चाशनी में ही डला रहने देंगे।
फिर आप देखेंगे जब चाशनी ठंडी हो जाएगी और सारी बालूशाही में चाशनी अच्छी तरीके से इस तरीके से चिपक जाएगी। जैसे जैसे चाशनी ठंडी होएगी हमारी बालूशाही में वो चाशनी चिपकती जाएगी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी बालूशाही बनके तैयार है। तो आपको इसी तरीके से बालूशाही बना लेनी है। तो आपको कैसा लगा इतना इजी तरीका बालूशाही बनाने का? आप कभी भी अपने घर पर बना सकते हैं या किसी फेस्टिवल या ओकेजन पर। सो आपको ये बालूशाही की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।